अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कहाँ, तो ये आप देखें, हम जा रहे हैं फूड स्ट्रीट में। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे खाने वगैरह, यहाँ पे देख के ही बंदे को भूख लग जाती है। तो हमें भी लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा भूख, तो हमने सोचा हम क्यों ना यहाँ पर खाना खाएँ। तो बस हम अब जो है ना पार्किंग की जगह ढूंढ रहे थे, तो ये देखें यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं, तो इस वजह से आपको पता है पार्किंग का मसला होता है। तो बस ये है कि हम लोगों ने जो है काबुल शनिवारी पे जो है ना ये खाना खाया है, तो वो बस हम देख रहे थे कि हमें उसके सामने ही पार्किंग की मिल जाए। तो अब ये देखेंगे, हमें जगह खाली करके दे रहे हैं कि चले जी यहाँ से, कि चेयर्स वगैरह हटाएंगे और हम अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे और उसके बाद हम खाना खाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नमक मंडी शनिवारी भी है, लेकिन ये है कि यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा था, तो हम लोग जो है ना फिर दूसरी साइड पे हम लोगों ने खाना खाया। तो ये देखें कितना अच्छा, यानी कि लोग कैसे जाते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। या फिर असा सोचिया असं क्या पीछे रही गच्छा होता है, असं भी फिर सोचिया असं भी खाना शाना खानी है, तो सभी सारे नाल खाना शाना खाओ। तो इस तक को इस वीडियो की, तो ये देखिए बैठने की जगह कितनी अच्छी है, आप से यानी कि आप चेयर्स पर भी बैठ सकते हैं, टेबल पर भी। लेकिन हम लोगों ने जो है ना हमने कहा कि हम नीचे बैठ के खाएंगे, जैसे कि वो आपको देखें पिलो वगैरह नज़र आ रहे हैं आपको, यानी कि वो रखे हुए हैं नीचे बैठ के। खाने का सिस्टम बड़ा अच्छा है, तो ये हम लोगों ने बस उन्होंने अभी हमें थोड़ा सा आसरा सहारा जिसे कहते हैं वो दिया है, सैलेड रायता और चटनी उन्होंने हमें दी है। तो ये देखिए जी, ये है इनका मेन्यू। तो अभी हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि हमने क्या खाना है और क्या पीना है, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो ये आपको जो है ना ग्लास दिस रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने अच्छे स्टील के ग्लास उन्होंने रखे हैं। हमको पता है कि यहाँ पे कोई आए तो कोई पन्ने तोड़े ना, तो मेरा ख्याल है इस वजह से रखे हैं, क्योंकि जिनके साथ बच्चे होते हैं कोई पान शान भी देते हैं। खैर ये है कि ये तो इनकी एक ट्रेडिशनल होएगा, कोई अच्छा ही इनके लग रहा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। इनकी जो है ना ग्लास वगैरह बड़े प्यारे लग रहे थे। तो ये जो मेरे आपको भाई साहब नज़र आ रहे हैं, इनसे मैंने चैलेंज किया, एक चिली पड़ी थी वहाँ पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थी, कहते नहीं नहीं मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा चल तू खा, तो मैं तुझे 1000 रुपया दूंगा। तो अब इसने खा तो ली है, अब इसी को पता है कि इसके साथ हुआ क्या है। तो आगे आगे आप भी देखें, और मैंने इसको कहा कि मैं तुझे पैसे दूंगी, चल तू जल्दी से खा के दिखा। तो इसने खा तो ली है, लेकिन इसकी जो हालत हुई है ना वो तोबा तोबा ही थी, पागल हो गया। तो ये देखें जी, पानी पे पानी पी रहा है, खाने के लिए आया था, खाना खाना है और ये करना है, तो पानी पी पी के इसने अपना जो है ना पेट इसी से भर लिया था, पानी से। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अगर गलती से पसंद आ जाए, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें लोग को। तो ये देखे जी, पूरी बोतल इसने पानी की ख़त्म की, आया था ये खाना खाने के लिए, लेकिन इसने पानी से ही अपना पेट भरा। और साथ साथ देखें जो है ना अभी ये क्या करता है, क्योंकि अब इसको इतनी ज़्यादा वो मिर्चें लग रही थी, तो फिर इसने कहा मुझे रायता दो, तो कि मैं उसके साथ जो है ना थोड़ा सा दही है, तो शायद हो सकता है उसके साथ सही हो जाए। लेकिन काफ़ी वो छोटी मिर्च, काफ़ी तेज़ मिर्च थी, वो हम लोग थोड़ी सी भी नहीं खा सकते थे। इसने जो है ना एक वो पूरी निगल ली, खा ली, यानी कि चबा चबू के, और बड़े आराम से पहले चबा रहा था, जब इसको मिर्चें लगी फिर इसको पता लगा वो हो मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन खैर इसने अपना चैलेंज पूरा किया है। तो फिर मैंने इसको कहा कि आप दिखाओ जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं वो दिखाओ, तो कहता है कि हा 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 अभी दिखाता हूँ जो है ना, अभी जो मेरी हालत है ना मुझे समझ नहीं आ रही। तो खुशी का इजहार ही आप देखिए ये कैसे करेगा, क्योंकि इसको ये देखें जी, एक बोतल ही ख़त्म कर चुका है, ये अगली बोतल इसने उठाई हुई है पानी की और ये पिए जा रहा है। तो ये देखें पैसे तो उसको दिए हैं, और खुशी के अब आंसू निकल रहे हैं इसकी आंखों से कि मिर्चें इसको बहुत ज़्यादा लगी हैं। तो ये खुशी के मारे इसे खुशी का इजहार भी नहीं किया जा रहा, कि इसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। तो बस ये है कि अब हम लोगों ने खाना जो है ना अपना ऑर्डर किया है, अपनी चीज़ें कुछ मंगवाई हैं, तो आप ये देखना कैसी हैं, कितनी मज़ेदार हैं। और हम लोगों ने तो खाई, हमें तो बहुत अच्छी लगी हैं, आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ फिर कह रही हूँ कि लाइक ज़रूर कर देना। तो ये देखिए जी, मेरा छोटा सा बेटा बैठा हुआ है, हमारी सारी फैमिली बैठी हुई है। हम लोगों ने मंगवाई थी जी शनिवारी जो उनकी होती है कढ़ाई वगैरह जो होती है वो मंगवाई है, कबाब मंगवाए थे, और साथ ही हम लोगों ने मंगवाई हैं जी सीखें इनके, वो भी कबाब टाइप की था और उसके अंदर टमाटो लगे हुए थे, और बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत ही मज़ेदार खाना था। तो आप लोग भी मेरे साथ इस खाने को एंजॉय करें, देखें भी, और अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो प्लीज़ उसको पी जाइए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते, पीने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। तो आप उसको आप निगल जाएँ, पी जाएँ, और ये देखें इनके खानों में इतना ज़्यादा स्पाइस नहीं होता, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होता है। ये आप लोगों को पता है कि वो लोग इतना स्पाइस नहीं खाते, इसीलिए वो चिट्टे गोरे होते हैं, और हम खाते हैं स्पाइस, इसलिए हम सड़े कोयले की तरह होते हैं। तो मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।